स्टूडेंट वेलकम इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। अगर आपने एम टेबल फर्स्ट फॉलो सिलेक्ट अगर आपने पढ़ लिया है तो LL1 ग्रामर पढ़ना इज नॉट टफेस्ट टास्क फॉर यू। देखिए इसमें कुछ ही नहीं करना। जैसे कि हम जानते हैं एम टेबल के अंदर क्या होता है कि सेम एंट्री बन जाती है लेफ्ट साइड में। जैसे ए के लिए अपन देखें तो प्लस टी ए के लिए भी हुआ था और एप्सिलॉन यानी नल के लिए भी हुआ था, तो एक तरह से दो बार यूज किया गया था। इसी प्रकार बी को भी नल के लिए यूज किया एंड मल्टीप्लायर एफ बी के लिए यूज किया था। तो LL1 ग्रामर क्या कहते हैं, ये ऐसे आपकी ग्रामर एम्बिगुअस हो गई है तो इस एम्बिगुअस को रिमूव करने के लिए LL1 ग्रामर बनाया गया, जिसके अंदर इसने बोला कि अगर मैं सिलेक्ट ऑफ ए बिलोंग्स टू ये वाला और इसका जैसे नल, ये दो अलग अलग आए थे ना सेम प्रोटेक्शन के लिए, दो अलग अलग निकले थे ना, जैसे नल वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूँ और अगर मेरा रिजल्ट इसका फाई निकलता है, क्या निकलेगा फाई, आप देखो ना खुद, इसमें तो प्लस आ रहा है इसमें ये दोनों आ रहा है, तो इन दोनों का कोई मेल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कॉमन चीज़ नहीं निकल रही ना दोनों में, तो यहाँ पे इसका नल निकल गया। इसी प्रकार अगर मैं सिलेक्ट ऑफ आपका क्या बोलते हैं बी बिलोंग्स टू मल्टीप्लाई एफ बी कर दूँ और इसका इंटरसेक्शन किससे कर दूँ, सॉरी सिलेक्ट ऑफ बी बिलोंग्स टू नल, तो अगर इसको भी देखूँ तो अगर टेबल में देखें अपन, टेबल के अंदर इधर मल्टीप्लाई है, इधर डॉलर है, इधर प्लस है और प्लस इनका कोई मेल नहीं है, मेल नहीं है तो अगेन ये क्या आ गया फाई आ गया। और अगर ढूंढे तो और बताओ, और जैसे एफ इसमें टी में तो सेम है एक ही बार आया, ई भी एक ही बार आया, एफ दो बार है, एक तो ई के लिए एक आई टी के लिए। तो देखो आपको क्या करना है, सभी के लिए करना है, जो जो अगर डबल डबल यानी सेम प्रोडक्शन फॉलो कर रहा है उन के लिए अपन को करना है। तो ये तीनों केस मैंने ले लिए, ए के लिए बी के लिए और एफ के लिए, इनको भी करता हूँ अगर मैं इसका इंटरसेक्शन, तो देखो इधर आईडी है इधर अपना पैरेंथेसिस है, तो कोई मेल नहीं है तो ये यहाँ पर फाई आ गया। अगर तीनों फाई आ गया तो ये जो चीज़ है ना आपकी एम टेबल या जो भी आपने प्रोडक्शन रूल निकाले हैं वो है आपका LL1 ग्रामर। तो ये चीज़ आपको बस शो करनी है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।